आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से कहा, आपको तय करना है कि ईमानदार चौकीदार चलेंगे या फिर भ्रष्टाचारी नामदार। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, राजनीतिक दल चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दें। खजुराहो लोकसभा सीट से कुख्यात डाकू ददुआ का बेटा वीर सिंह मैदान में, कहा इस इलाके में जीत हमारी ही होगी। होशंगाबाद में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, कांग्रेस नेता साधना स्थापक बीजेपी में शामिल। और हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर कवि प्रदीप चौबे नहीं रहे, 70 वर्ष की आयु में हुआ निधन। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस और NCP ऐसे लोगों के साथ खड़ी हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। मोदी ने कहा, जो पहली बार वोट देने जाने वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता आपको मंजूर है। अहमदनगर में मोदी के निशाने पर कांग्रेस और NCP नेता शरद पवार रहे। मोदी ने कहा कि आज एक तरफ कांग्रेस NCP की महामिलावट के खोखले वादे हैं और दूसरी तरफ NDA के बुलंद इरादे हैं। कांग्रेस NCP की सरकार में कभी मुंबई में बम धमाके, कभी पुणे में, कभी ट्रेन में, कभी बसों में धमाके होते थे, लेकिन पिछले 5 सालों में ये बम धमाके बंद हो गए हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और NCP ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे और जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। मुझे कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये सब उन्हीं की पैदावार है, लेकिन शरद पवार क्यों चुप हैं? कांग्रेस जम्मू कश्मीर से सेना को हटाने की बात कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि सैनिकों को मिला विशेष अधिकार हटा देगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता आपको मंजूर है? अब आपको तय करना है, जब इस बार आप वोट देने जाएंगे, आप देश का फैसला करने जा रहे हैं, देश किस दिशा में जाएगा इसका फैसला करने जा रहे हैं, तब आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार। मोदी ने अपनी सरकार की सफलता गिनाते हुए कहा कि बीते 5 वर्ष में जन भागीदारी से चलने वाली एक मजबूत सरकार दुनिया ने भारत में देखी है। उससे पहले 10 वर्ष तक रिमोट वाली सरकार के दिन में हर दिन कोई ना कोई घोटाला घपला सामने आता था। आज दुनिया भारत को महाशक्ति के रूप में देख रही है। अब आपको तय करना है कि ईमानदार चौकीदार चलेंगे या फिर भ्रष्टाचारी नामदार, हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। चुनाव से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अपने अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी, लेकिन उन्हें बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनीतिक दलों को भी चुनाव आयोग को 30 मई तक बंद लिफाफे में इसकी जानकारी देना पड़ेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि चुनावी बॉन्ड योजना नीतिगत निर्णय है और किसी भी सरकार को नीतिगत फैसले लेने के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय चुनावों में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी गोपनीयता काफी अहम है, क्योंकि मतदाताओं को ये जानने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक दलों को मिले चंदे का स्रोत क्या है, लिहाजा पारदर्शिता के नाम पर इस योजना को खत्म ना होने दें। पीठ ने कहा, मतदाताओं को पता होना चाहिए कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, और जहां तक बॉन्ड के खरीदार का सवाल है तो आप उस स्रोत की इससे ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सकते कि वास्तव में उसे कौन खरीद रहा है। अपने अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी, लेकिन उन्हें बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही राजनीतिक दलों को भी चुनाव आयोग को 30 मई तक बंद लिफाफे में इसकी जानकारी देना होगी। चुनाव से जुड़ी एक और खबर बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश से है। खजुराहो लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश के कुख्यात डाकू ददुआ के बेटे वीर सिंह पटेल ने ताल ठोक दी है। सपा बसपा के उम्मीदवार वीर सिंह ने कहा, इस इलाके में जीत हमारी ही होगी।
समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी वीर सिंह पटेल ने खजुराहो के मंगतेश्वर मंदिर में पूजा की और लोकसभा दौरे की शुरुआत की। वीर सिंह पटेल गाड़ियों का काफिला लेकर खजुराहो पहुंचे और दलबल के साथ भ्रमण किया। इस मौके पर वीर सिंह पटेल ने बताया कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र नया नहीं है, वे यहाँ पूर्व में भी आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि सपा बसपा गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा है और जीत हमारी होगी। हम आम जनता के मुद्दे लेकर मतदाताओं के बीच जाएंगे। समाजवादी पार्टी और महागठबंधन विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगा और आज हमने महामंत्रेश्वर मंदिर में मत्था टेका है और ईश्वर भगवान से कामना किया है कि समाजवादी पार्टी खजुराहो लोकसभा महागठबंधन चुनाव जीते। हमारे मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक उनके मुद्दे हैं और उनकी कार्यकर्ताओं के उस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव के दौरान ऐसी कई सारी खबरें को देखने मिलती है जिसमें लोग जीत का दावा तो करते हैं लेकिन जनता के मन में क्या है इसे कोई समझने की कोशिश नहीं करता। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 5 साल पहले आए थे हमारी खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर होशंगाबाद से। लोकसभा चुनाव से पहले होशंगाबाद में बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया और पूर्व कांग्रेस विधायक साधना स्थापक को बीजेपी में शामिल कर लिया। ऐसा करने से इस इलाके में बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी। होशंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पद के उम्मीदवार राव उदय प्रताप सिंह बीते लोकसभा चुनाव में स्वयं कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए थे और इस चुनाव में एन नामांकन के दिन गाडरवारा की पूर्व कांग्रेस विधायक साधना स्थापक को भाजपा में ले आए। भाजपा प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भरा, साथ ही कांग्रेस को फिर झटका दे दिया। भाजपा की विजय संकल्प सभा में पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। सबसे पहले जिस राष्ट्र में रहते हैं उसकी राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर ज़्यादा होना चाहिए और इस समय मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और राष्ट्र किनके हाथों में ज़्यादा सुरक्षित है और वो सब देख के मैंने भाजपा जाएंगे। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी और मजबूत सरकार बनने जा रही है। एक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की उसमें क्षमता है और आम मतदाता के बीच में उसका आग्रह उतना ही मजबूत और ताकतवर है। देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है उन कामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारी मतों से यहां तो जीत होगी, देश में सरकार ही बनेगी। उदय प्रताप सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली और मां नर्मदा के तट पर पूजा अर्चना की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने एनएसजी स्टेडियम में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल से आ रहा था तो जानकारी मिली कि कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बंटने के लिए सोसाइटियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इसे रोका जाए, यदि इस प्रकार चलता रहा तो 2 दिन बाद मैं चुनाव आयोग के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमसे भूल हो जाती है लेकिन मलाल मत करिए, एक वोट में आपको 2 सरकार मिल जाएंगी। 6 मई को मतदान के दिन आप एक वोट दो तो 2 सरकारें पा सकते हो। तो यह बात भी बताना चाहता हूं कि एक वोट में आपको 2 महीने बाद 2 सरकारें मिल जाएंगी।
आज जो लोग अपनी गलती पर पछता रहे, अपनी गलती से व्यथित हैं, छोटे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई को आना लो, 23 मई होगी एक सप्ताह बाद, इस सप्ताह इसी नर्मदा नदी में इस सरकार का पिंडदान करने के लिए आपको इस सप्ताह बाद। कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए गाडरवारा की पूर्व विधायक साधना संस्थापक ने भाजपा की सदस्यता लेते हुए कहा कि वर्तमान में राष्ट्रहित अधिक महत्वपूर्ण है और ऐसे में यह देखना और भी जरूरी है कि राष्ट्र किन हाथों में अधिक सुरक्षित है, इसीलिए मैं सशक्त राष्ट्र के लिए भाजपा में शामिल हो रही हूँ। अब एक खबर साहित्य जगत से, देश के चर्चित हास्यकवि प्रदीप चौबे का ग्वालियर में निधन हो गया। 70 के दशक से प्रदीप चौबे ने अपनी काव्य यात्रा शुरू की और 70 वर्ष की आयु में वो सबको अलविदा कह गए। ग्वालियर शहर के रहने वाले हास्य कवि प्रदीप चौबे का निधन हो गया। उन्हें दिल में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके निधन से साहित्य जगत गम में डूबा हुआ है। सभी को हंसाने वाले एक कवि का यूं चले जाना, इससे सभी स्तब्ध हैं। हाल ही में कपिल शर्मा के शो में वे दिखाई दिए थे। 26 अगस्त 1949 को जन्मे प्रदीप चौबे के बिना हर हास्य महफिल अधूरी रहती थी। उनके करीबियों का कहना है कि वो जितना लोगों को हंसाते थे उतना ही अपने अंदर के गम को छुपाया करते थे। बेहद संजीदा किस्म के इस कवि की खूबी यह थी कि मंच पर आते ही ठहाके लगना शुरू हो जाते थे। प्रदीप चौबे के बड़े भाई शैल चतुर्वेदी भी जाने माने हास्य कवि थे। प्रदीप चौबे हास्य कविताओं के अलावा व्यंग की गजलें भी लिखा करते थे। प्रदीप चौबे खुद पर खूब हंसा करते थे। शव यात्रा उनकी चर्चित कविता है जिससे उन्होंने खुद की शव यात्रा का वर्णन कर अपने मोटे होने का मजाक उड़ाया। प्रदीप चौबे को गॉल ब्लैडर का कैंसर भी था। पिछले दिनों उनके छोटे बेटे के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा था। मैं आपको सुनाने के लिए थोड़ा मेरे पास में है। मैं इंदौर बहुत आता रहा हूँ, जब बिल्कुल घनघोर जवानी थी तब आता रहा, अब जिंदगी से जाने की तैयारी है तब भी आया हूँ। तब मैं लंबी लंबी कविताएं लिखता था और खूब हंसी मजाक की। अब मैं 70 साल के आसपास हूँ, इसलिए थोड़ा गंभीर हो गया हूँ, तो मेरी कविताएं माइक्रो कविता हैं। अब लंबी कविताएं सुनाने का दौर नहीं है और लंबी कविता सुनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे याद है कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी, सामने बैठा है कि VIP चल बसा। प्रदीप चौबे हास्य कविताओं के अलावा व्यंग की गजलें भी लिखा करते थे। उनकी एक गजल है कि जिनको ढूंढना है आप ढूंढेंगे जरूर और अपने रूह की पहचान खोएंगे जरूर। हमें मालूम है कि आपको नींद ना आने की बीमारी है, लेकिन आपको पहरे पे बैठा दें तो आप सोएंगे जरूर। आप बाढ़ का आनंद हेलीकॉप्टर से लें तो अच्छा है, वरना जिस कश्ती में बैठेंगे उसको डुबोएंगे जरूर। दखल परिवार की ओर से प्रदीप चौबे को विनम्र श्रद्धांजलि। अब खबर छत्तीसगढ़ से है। बस्तर में चुनाव का विरोध करने वाले नक्सली कमांडर अर्जुन और वेटी रामा ने लोकतंत्र के त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चुनाव की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिया। सोपा के कोंटा एरिया कमेटी के कमांडर अर्जुन और LOS कमांडर बेटी रामा नक्सली गतिविधियों में शामिल रहकर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पहले ये लोग चुनाव का बहिष्कार करते थे, लेकिन इस बार लोकतंत्र के इस त्यौहार का जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर ले लिया और लोकसभा चुनाव में सुरक्षा का दायित्व निभाया। अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, अभी उधर रहते समय चुनाव को हम बहिष्कार कर रहे थे, आज अब इधर आके सरेंडर होकर हम वोट देने के लिए हम अभी बहुत अच्छा मेरे को लगा है। अभी सुरक्षा के लिए मतदान केंद्र में हम सुरक्षा के लिए हम लगे हैं, वो लोग अभी तो पूरा बहिष्कार कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है अभी वोट डालने के लिए। नक्सल इलाके में 2001 में सक्रिय अर्जुन ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था, जिस पर 8 लाख की बड़ी इनामी रकम थी। कोंटा एरिया का अर्जुन 15 वर्ष की उम्र से ही नक्सली संगठन के साथ जुड़ गया था और कई बड़े पदों पर रहकर नक्सलियों का कमांडर बना था। अर्जुन ने बताया वह अपने साथी नक्सलियों से परेशान होकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया था और खुद सरेंडर किया था। नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब जो नज़ारा है उसमें देखने को मिलता है कि नक्सलवादी नक्सलवादियों की जो नीतियां हैं उनसे परेशान होकर धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रहे हैं और समाज में सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दखल न्यूज़।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बहुत हुई महंगाई की मार, यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिछली बार। ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफें। जब सिलेंडर 1000 रुपए का हुआ तो घड़ी देख देख के चूल्हा जलाने लगी, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि अच्छे दिन आएंगे। बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड़ रखी थी मैंने, इन्होंने नोटबंदी करके मुझे मेरे ही पैसों के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया। आज उम्मीदें और भरोसा दोनों टूट गए। अच्छे दिनों का झांसा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के यहाँ पड़े आयकर विभाग के छापे के बाद अश्विनी शर्मा ने कहा वह हर चीज का हिसाब देगा। उसने कहा वह किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा से वो जरूर प्रभावित है। अश्विनी शर्मा ने आयकर छापे के बाद कहा कि उन्हें आयकर विभाग से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आयकर विभाग ने छापा मार कार्रवाई की उससे उन्हें जरूर तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि जो हथियार, कारतूस, जानवरों के अवशेष या खाल मेरे पास मिले हैं, मैं हर चीज के दस्तावेज सरकार के समक्ष उपलब्ध करवाऊंगा। अश्विनी ने कहा कि वह किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, ना ही वह कांग्रेस से जुड़े हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं। मुझे आयकर विभाग से कोई नाराजगी नहीं है, पर उनके कार्रवाई करने का तरीका गलत था। आधी रात को उन्होंने जिस तरीके से हमारे घर के दरवाजे तोड़ के घर के अंदर प्रवेश किया और अगले 48 घंटे हमको बंधक बना के रखा, वो तरीका ठीक नहीं था। बाकी आयकर विभाग ने जो भी कार्रवाई की होगी नियमानुसार की होगी। अधिकारी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, और रही कांग्रेस की बात, तो इतने कम समय में कोई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बीजेपी की विचारधारा को पसंद करता हूं। मैंने आपसे बोला ही नहीं, मैंने बोला मैं किसी पार्टी मैंडेट में नहीं हूं, बीजेपी की विचारधारा को पसंद करता हूं। ऐसे मामलों में देखा गया है कि अक्सर जो आरोपी होता है वो इस तरह की जुबान बोलता है कि दूसरे पार्टी का, दूसरे दल का या दूसरे खेमे का वो प्रतीत हो। हो सकता है कि अश्विनी भी जानबूझकर इस तरह की कोई बात कर रहे हों। अब खबर खजुराहो से है। खजुराहो के गांव में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग को बढ़ता देख ग्रामीणों ने सबसे पहले अपनी फसल को सुरक्षित किया, इसके बाद दमकलों ने इस आग पर काबू पाया। खजुराहो के सकेरा पुरवा खरोही गांव में लगी आग तेजी से फैलना शुरू हुई। आसपास के बड़े इलाकों में खेतों में रखी फसल को लेकर किसान परेशान हो गए। आनन फानन में ग्रामीण और किसान दौड़े और आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग पर काबू पाना नामुमकिन लगने लगा। तो किसानों ने खेत में रखी फसल को जल्दी जल्दी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना मुनासिब समझा। आग आई खरोई तब झलरा को से आग आई है, मई से लगी चली आई और फिर हमारे दौड़ी आग जैसी दिखानी गल्ला रखो तो और ऐसी जनता दौड़ी पानी बुझाऊ रहे नहीं बुझी फिर मशीन बुलवाई ऐसी समस्या चल रही थी। जो साइड से मतलब खरोई साइड से धुआं दिखा थोड़ा थोड़ा, उधर से धीरे 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 कर गए वो बढ़ गई। जब देखा किसानों ने तो फोन किया, अच्छा, और सभी जनता टूटी। काफी गलती होंगे, नुकसान तो भाई होंगे, बुस्टेड होंगे, यहां तो एक हुआ नुकसान। इस दौरान ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बड़ा नुकसान होने से ग्रामीणों को बचा लिया। जबलपुर के सगड़ा गाँव से किडनेप हुए 10 वर्षीय बालक का शव घर के पास ही एक सूने मकान में मिला। शव को बोरी में बंद करके रखा गया था। ये बच्चा 8 अप्रैल से लापता था। बादलगिरी गोस्वामी 8 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे अपने घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गया। 4 दिन से परिवार के सदस्य और पुलिस उसकी तलाश में छानबीन कर रहे थे। पुलिस ने गांव के अलावा आसपास की नदी, नालों एवं नहरों में भी उसकी तलाश की, लेकिन घर के करीब 50 मीटर की दूरी पर राम प्रकाश श्रीपाल के सूने घर में एक बोरे में बंद बादल का शव मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर काला पड़ चुका था। परिजनों की माने तो बादल के परिवार के सदस्यों की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, बावजूद इसके बादल का अपहरण और फिर हत्या पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। उसका बच्चा घूम गया तो मैं 2 दिन से यहाँ घूमने में लगे थे सभी लोग के साथ में, तो सुबह हम एक कुटवार के यहाँ पूछताछ कर रहे थे एक लेडीज से, तो इतने में यहाँ रोने की आवाज़ आई। ये पुराना मकान जिसमें कोई रहता नहीं था, तो वहाँ जब हम दौड़ के आए तो वहाँ देखा कि बोरी में एक बच्ची जो अपना बच्चा गुमा हुआ है उसकी लाश मिली। तो लाश मिलने के बाद फिर यहाँ सभी से जान पुलिस को इतला दी गई, पुलिस आई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू है।
अभी कुछ क्लू हैं जो परिवार वाले हैं, क्योंकि बच्चे की बेचारे से किसी की दुश्मनी नहीं थी, जिस तरीके से उसके साथ घटना की गई है वो कतई जो वो नहीं है जो लोग सही तरीके की हमारी टीम है, जो FHL की जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर और हमारे जो बेचना के एक्सपर्ट जो TI हैं उनको सबको हमने रिपोर्ट दिखाया है। बाकी जो डॉग की जो पार्टी है उसने भी पूरा रिपोर्ट दिखाया है। पुलिस अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और FSSL की टीम के साथ जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस अधिकारी मानव अंग तस्करी और नरबली सहित सभी पहलुओं पर इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। कुछ संदिग्ध लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। इंदौर भोपाल हाईवे पर एक कारखाने में अचानक आग लग गई। इस दौरान दमकलों एवं प्लांट के इंजीनियरों की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी की इस घटना के दौरान किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और कुछ समय बाद प्लांट को भी वापस चालू कर दिया गया। दीपक फास्टनर्स लिमिटेड अनब्रेको प्लांट की एक मशीन में आग लग गई। कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी विनीत दुबे ने बताया कि प्लांट के फ्लोर क्रमांक 6 में स्थित फर्नेस मशीन में प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जा रहा था, इसी दौरान मशीन के ऑयल में आग लग गई। इसे बुझाने के लिए कंपनी के फायर सिस्टम और फोम बेस्ड सिलेंडरों का उपयोग किया गया। इसके साथ ही सीहोर, इछावर और कोठरी नगर निकायों की दमकलों की भी मदद ली गई। वहीं कंपनी के इंजीनियरों ने ऑयल में लगी आग को केमिकल की सहायता से काबू पाया। घटना में फर्नेस मशीन पूरी तरह से जल गई। आज सुबह करीब 9:30-10 बजे के लगभग हमारी जो प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की जो एक मशीन है जिसमें ऑयल से जो प्रोसेसिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की, उसमें हीट की वजह से आग लग गई थी। नुकसान का आकलन तो अभी हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसकी जांच करेंगे और इसके बाद फिर हम बता पाने की स्थिति में होंगे कि कितना नुकसान हुआ। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 5 साल पहले आए थे हमारे खेतों तक ये लोग, बोले खेत से दुगनी कमाई होगी, 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। अब किसान आदमी है, कर लिया इन पर भरोसा, दे दिया अपना वोट और अब जब अपना हक मांगने सड़कों पर आया हूँ तब आत्मसम्मान छीन लिया इन्होंने मेरा। हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आए थे खेतों तक। विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा। मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से, हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जरा बच के रहना। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर पुलिस की बदसलूकी की। छतरपुर में ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक की दादागिरी का मामला सामने आया है। दुकान के बाहर बाइक खड़ा करने के विवाद में ट्रैफिक आरक्षक ने दुकानदार की पिटाई लगा दी। ट्रैफिक पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए दुकानदार की पिटाई लगाई तो चौक बाजार के दुकानदारों ने विरोध में दुकानें बंद कर दी। छतरपुर कोतवाली में जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारी राजू सोनी का आरोप है कि उसकी दुकान के पास उसकी बाइक रखी थी। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक ईश्वर प्रसाद मिश्रा दुकानदार राजू सोनी की बाइक हटाकर अपनी बाइक रखने लगा, जिसका विरोध दुकानदार ने किया तो आरक्षक ने दुकानदार राजू सोनी के साथ मारपीट कर दी। हमारी गाड़ी हटा के अपनी गाड़ी लगाई मिश्रा जी ने लंकेश के लंकेश कहा कि सर हमारी गाड़ी रोड पे मत रखो, साइड से रख दो। तो उन्होंने सीधा पकड़ा हमारी गर्दन, बस गर्दन में समझने लगे वो पूरे मोहल्ला जो है इतनी गस के गर्दन पकड़ ली कि छोड़ नहीं देते, गर्दन पकड़ ली थी गस के, बहुत गस के, इतनी गस के जब 4-5 आदमी जुड़े मारपीट किसी के साथ नहीं। ये खड़े हैं सब लोग देखने वाले, यहीं पर 50 आदमी जो है आपके गवाह दे सकता हूँ किसी मार्केट में। लेकिन मार्केट में ये रोड में गाड़ी लगाते हैं, ये गाड़ी तो मैं एक तरफ करना चाहता हूँ तो इस पर जो नाराज़ हो करके हमारे प्रभारी से शिकायत करते हैं। कुछ व्यापारी थाने पर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि गांधी चौक पर जो ट्रैफिक पॉइंट लगा हुआ था उसमें ड्यूटी पुलिस कर्मचारी द्वारा बात किया गया है, हत्या की गई है।
हाथ कर दिया गया है, वरिष्ठ अधिकारी अवगत कराकर उसको वहाँ से हटा दिया गया है, जाँच कर आगे कार्रवाई। मारपीट की घटना के बाद दुकानदारों ने दुकान बंद कर आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली में प्रदर्शन किया। कोतवाली पुलिस ने तत्काल आरोपी आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। शक्ति का पर्व नवरात्रि इस समय चल रहा है। चैत्र नवरात्रि के मौके पर माता के दरबारों में धार्मिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। वहीं भोपाल के प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर में भी नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि में मां की आराधना करने के लिए मंदिर और दरबारों में धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। भोपाल के सोमवारा स्थित प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर में नवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर को रंगीन लाइटों से सजाया गया है। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष रमेश सिंघल ने बताया कि सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। रात्र में ये तो एकम से ही कार्यक्रम है, यहाँ पे प्रातः काल पाँच बजे से भक्तों की उपासना होती है और निरंतर 1 बजे तक चलती है। 1 बजे विश्राम करते हैं, 1 से 4 बजे फिर भक्त हैं, फिर जो है प्रसाद प्रातःकाल जल करता है, सायं का प्रातःकाल जल भी चढ़ता है, प्रसाद भी चढ़ता है, सायं का। माता मंदिर में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शनिवार को अष्टमी नवमी पर्व के अवसर पर मंदिर में हवन पूजन का आयोजन किया गया है। वहीं भोपाल के तलैया स्थित महाकाली मंदिर में भी नवरात्रि के अवसर पर रोजाना महाकाली का विशेष श्रृंगार एवं पूजन किया जा रहा है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु माँ का दर्शन करने पहुँच रहे हैं। यहाँ रोजाना सुबह, दोपहर, शाम और रात को माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब हम छोड़ के जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। ओ भैया कल्याण भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रही है। कोई ऐसा नहीं है, अब तो 80 डिग्री होने वाला है। मैंने सुना है कि भैया उमा भारती भोपाल प्रत्याशी होने वाली है बीजेपी की। वो कल मैंने देखा था ये दिग्विजय सिंह का एक वीडियो आया था, ये डांस कर रहे थे भैया मंदिरों के सामने। बता रहे हैं इनको ये फ्रिक्वेंसी और बढ़ानी पड़ेगी, अब असली साथ भी आ गई है। वो बहुत डांस कराएंगी बता रहे हूँ। हाँ, बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। और ये देखो छापों की कार्रवाई, छापे के बदले छापे। ई टेंडरिंग में इन्होंने FIR कर दी है सरकार ने, और EOW के छापे पड़ेंगे। अब ये बदले की कार्रवाई है, बहुत शुरू हो गई है। यूँ महाभारत शुरू हो गया बता रहे हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है लोगों को। और ये एक दुखद खबर आई है, प्रदीप चौबे जी अपने हास्य कवि थे, उनका निधन हो गया है। इतने प्यारे कवि थे, जहाँ खड़े हो जाए वहाँ से हंसी शुरू हो जाती थी बता रहे हूँ। और इनका दूरदर्शिता देखिए, शव यात्रा पर ये कविता लिखी थी जो बहुत पॉपुलर है, ये इन्होंने अपने खुद के ऊपर लिखी थी। उसकी पंक्तियाँ तो सुना रही हूँ कि मुर्दावाड़ा भारी है और ट्रक की सवारी है। तो जो ह्यूमर वाला आदमी रहता है उसका वो खुद का है ना, खुद का ह्यूमर होता है, खुद के ऊपर हंसता है तभी व्यंग निकलता है ना। और ये खबर देख लो, ये ददुआ का लड़का है ना, ये चुनाव लड़े खजुराहो से वीर सिंह। बताओ ये इनके भी खानदान होती है डाकुओं के बता रही हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, सुधार सब में हो गया है, सब सुधर गए। ये खबर ये देख लो, विकिलीक्स के जो संपादक जूलियस असांज वो गिरफ्तार हो गए, और इन्होंने खोजी पत्रकारिता करी थी, युद्ध अपराधों के खुलासे किए थे बता रहे हूँ। और खोजी पत्रकारिता करने वालों का ये हाल होता है बता रही हूँ, इसलिए ना अपने यहाँ तो सब क्या नमो नमो करते रहते हैं, कुछ है ना राहुल राहुल करते रहते हैं। ये पत्रकारिता बहुत अच्छी हो रही है बता रही हूँ। हाँ, और ये मनीला की बात कर रहे हो, फिलीपींस में वहाँ वैज्ञानिकों ने, और वो 4 फीटा वाले जो आदमी रहते थे पहले, उनके पूर्वज हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में रिसर्च वगैरह करी है, पता लगाया कि वो ज़्यादातर क्या पेड़ों पे ही रहते थे। वो आजकल तो भैया पेड़ों के या पेड़ों को काट कूट के अपने घरों में लगा लेते हैं बता रहे, पेड़ों को कटाई चल रही है बहुत। अरे पेड़ भी लगाओ भाई, काटो तो लगाओ। वो धोनी साहब की तो ऐसे उचट की लगी है, जहाँ भी जाते हैं चांदी हो जाती है इनकी। वही सबसे IPL में इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए बता रही हूँ। हाँ, इनकी तो चांदी चांदी है भाई, और मैं भी यार चांदी खरीदने जा रही हूँ बता रही हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।